उसी के दिन दो भोजपुरी फिल्में एक साथ रिलीज हुई, दोनों बड़े बैनर की और दोनों में बड़े बड़े स्टार। तो आप जानना चाहते होंगे कि किस फिल्म ने मारी बाजी और कौन रहा फ्लॉप, तो चलिए आज हम बताते हैं अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किसकी फिल्म ज़्यादा बिजनेस कर रही है और कौन है ठन ठन गोपाल। तो शुरुआत करते हैं अपना वीडियो और चलते हैं पहले निरहुआ के फिल्म शेरे हिंदुस्तान के पास। जी हाँ, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर कुमार और इस फिल्म में निरहुआ की दमदार एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। यह फिल्म मुंबई, गुजरात, कोलकाता, बिहार, झारखंड सहित 5 राज्यों में रिलीज हुई है और इसे मिल रही है दमदार ओपनिंग और इसका रिस्पांस इतना ज़बरदस्त है कि आजकल सोशल मीडिया पर शेरे हिंदुस्तान छाया हुआ है। आपको बता दें कि शेरे हिंदुस्तान को देखने के लिए पब्लिक की भारी भीड़ जुट रही है और इसे देखने वालों में लेडीज़ की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। लेडीज़ भी इस फिल्म को खूब इंजॉय कर रही हैं, साथ ही साथ बात कर लेते हैं क्रैक फाइटर की, तो क्रैक फाइटर भी कुछ पीछे नहीं है। दो ही राज्य में रिलीज़ हुई है यह फिल्म, लेकिन इस फिल्म ने बम्पर ओपनिंग ली है। लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आ रही है। फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है और क्रैक फाइटर को लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं। अभी यह फिल्म मुंबई, गुजरात, कोलकाता में रिलीज़ होना बाकी है, लेकिन बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक साथ कई राज्यों में रिलीज़ होने के कारण शेरे हिंदुस्तान भारी पड़ रही है क्रैक फाइटर पे। अगर शेरे हिंदुस्तान की तरह ही क्रैक फाइटर ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ होती तो आज सिनेरियो कुछ और होता। पहले ये बताया जा रहा था कि पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर एक साथ ऑल ओवर इंडिया में 1000 स्क्रीन पर रिलीज़ होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। ऐन वक्त पर ये फैसला बदलकर झारखंड और बिहार में ही इसे रिलीज़ किया गया, लेकिन इन दोनों राज्यों में भी इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया है। लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं। लोग निरहुआ की फिल्म के साथ साथ क्रैक फाइटर भी देख रहे हैं। एक शो वो निरहुआ की फिल्म का देख रहे हैं तो दूसरा शो वो पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर का देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ये कहना मुश्किल होगा कि किसकी फिल्म बाजी मार रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस कहा जाए तो यहाँ शेरे हिंदुस्तान कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है, क्योंकि यह फिल्म एक साथ कई राज्यों में रिलीज हुई है और क्रैक फाइटर का इससे लॉस हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों में रिलीज होने के कारण क्रैक फाइटर उतना बिजनेस नहीं कर पा रही है जितना उसे करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और पवन के फैन हैं तो जाइए और इस फिल्म को और एंजॉय कीजिए, ताकि इस फिल्म को लोग देखने आए और इस फिल्म का कलेक्शन भी बढ़े। वैसे होली की छुट्टी के कारण इन दोनों फिल्मों को काफ़ी फायदा हुआ है। दोनों फिल्में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।